अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज बतूल। वेलकम बैक इन बतूस किचन। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज बतूस किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार सी वेजिटेबल सूप की रेसिपी। बहुत ही मजेदार सा चिकन कॉर्न सूप। बाकी सारे सूप तो सभी पीते हैं हॉट एंड सोर सूप, बट वेजिटेबल सूप बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस। बच्चे बहुत शौक से पियेंगे, एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक पैन, और पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल 2 टेबल स्पून। आप इसको बटर में भी कुक कर सकते हैं। लहसुन क्रश किया हुआ, क्रश गार्लिक स्पैंड करेंगे 1 टेबल स्पून। प्याज चॉप की भी अनियन स्पैंड करेंगे 2 टेबल स्पून। और इसे सौते करेंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। साथ में इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज, स्प्रिंग ऑनियन 1 टेबल स्पून, गाजर चॉप की हुई बिल्कुल बारी बारी। मैं इसमें वेजेस ऐड करूंगी, आप चाहें तो किसी भी शेप में ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून गाजर इसमें ऐड किए, इसे सॉफ्ट करेंगे 1 मिनट तक। चॉप शिमला मिर्च, चॉप कैप्सिकम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। साथ में इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, कैबेज इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप। और इसे कुक करेंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और जी कुछ 3 मिनट हो गए, अब इसमें ऐड करेंगे मकई, स्वीट कॉर्न इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप। साथ में इसमें ऐड करेंगे पानी 2 कप। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन स्टॉक आपके पास अवेलेबल हो तो आप चिकन स्टॉक इसमें ऐड कीजिए। 3 से 4 कप मैंने इसमें चिकन स्टॉक ऐड करी है। चिकन स्टॉक की रेसिपी मैं प्रीवियस 2 सूप में आपको बता चुकी हूँ। आप लोग जाके चिकन कॉर्न सूप एंड मैगी सूप देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा प्रोसीजर है चिकन स्टॉक प्रिपेयर करने का। अगर चिकन स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 8 कप या 7 कप पानी ऐड करके चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी सेम फ्लेवर आएगा। अब इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे कुछ 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जी कुछ 7 मिनट्स हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर जो है सारे जितने भी जूसेस हैं वो स्टॉक के अंदर आ गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, सिरका विनेगर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब सूप की थिकनेस की तरफ आते हैं। कॉर्न फ्लोर लिया मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 कप पानी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स इसमें ना रहे। अब ग्रेजुअली जो है आपने इसे सूप में ऐड करना है, और चम्मच को आपने चलाते जाना है। इसे कुक करेंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, या जब तक इसकी डिजायर कंसिस्टेंसी, आपको पता है कि सूप की कितनी होती है, जब तक वो ना आ जाए। गार्निश करेंगे इससे हरी प्याज, स्प्रिंग ऑनियन से हसब जरूरत, सफेद मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसे डिश आउट करते हैं। यमी यमी सा सूप जो है वो रेडी हो गया है। कलर आप चेक कीजिए, कितना जबरदस्त है इसका कलर आया है। कितना मज़ेदार सा वेजिटेबल सूप रेडी हुआ है। इसे सॉस से गार्निश करेंगे। तो इसे स्प्रिंग अनियंस में ऐड करेंगे, और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त सा डिलीशियस सा वेजिटेबल सूप रेडी हुआ है। और मैं इसे अब टेस्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसा बना। यम्मी, बहुत ही यमी सा रेडी हुआ है। बच्चे भी बहुत शौक से पियेंगे, इसे लाजमी ट्राई करना। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को वेज सूप की रेसिपी कैसी लगी। यकीनन आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और बतूस किचन को सब्सक्राइब कर लें, और पास तक के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए जी, मैं जबरदस्त से वेजिटेबल सूप को एंजॉय करती हूँ। आप भी अपने घर में बनाकर एंजॉय कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। साइनिंग आउट, लॉट्स ऑफ लव, रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।